हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जींस में इलास्टिक डालना बताऊंगी, जो कि देखिए ये इस तरीके से जींस में इलास्टिक आती है और अगर ख़राब हो जाती है और जींस बहुत ज़्यादा लूज भी हो जाती है फिर उससे, तो उसमें दोबारा से इलास्टिक कैसे डालनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगी हुई थी, इसको पहले ही निकाल लिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आपको भी यहाँ पर अगर सिलाई लगी हुई हो बीच में इलास्टिक के, तो आपको उसको निकाल लेना है सिलाई को सिंपल। और देखिए तो ये दोनों पार्ट जो हैं हमारे अलग अलग हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ से आपको पकड़ना है कॉर्नी पैसेज पार्ट को कुछ इस तरीके से और कैंची की सहायता से इसे हल्का सा कट कर देना है। तो देखिए ये हमारी जो अंदर वाली इलास्टिक है वो दिख जाएगी आपको, और उसे इस तरीके से निकालते हुए कट कर देना है यहाँ से। अब इस यही प्रोसेस आपको इधर करना है, इधर से कट करके इलास्टिक को निकाल देना बाहर। तो ये देखिए इसमें से इलास्टिक को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है, आप देख सकते हो। अब देखिए मैंने इसके साइज की इलास्टिक कट की हुई है, इसको हमें यहाँ से डालना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से जो हमने इलास्टिक ली हुई है उसको यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। तो आपको सुई धागे से इसको सिल देना है। तो मैंने सुई में चार धागा डाल लिया है, आप डबल भी डाल सकते हो, आप जैसे डालना चाहो वैसे डाल सकते हो सुई में धागा। चार डालने से ये होता है कि जल्दी से हमारा काम हो जाता है फटाफट से। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पर कट किया है इसके यहाँ से आपको सिलना है, इसको कोई भी धागा ले सकते हो आप। देखिए आपको ऐसे फोल्ड करके थोड़ा सा ऐसे करिए, नीचे वाले हिस्से में, पैंट वाले हिस्से में और इलास्टिक वाले हिस्से में दोनों को आपको लेना है ऐसे करके। तो ऐसे करके मैं इसको सिल देती हूँ यहाँ पर। आपको इसे पक्का सिल देना है और इस तरीके से नॉट लगा देनी है बाद में, ताकि ये धागा हमारा निकले ना। तो हमारा इतना काम हो गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इधर की साइड से आपको सेफ्टी पिन से लगा लेना है। तो देखिए आप ऐसे करके सेट कर लेना। अब जो हमने यहाँ पर कट लगाया हुआ है यहाँ से हमें इसको डालना है। यहाँ से डाल के यहाँ से निकाल लेना है जो हमने दूसरा कट लगाया है इस तरीके से। अब देखिए अगर आपको देख लेना, अगर आपकी इलास्टिक जो है अगर बड़ी हो तो आपको थोड़ी सी कट कर देनी है। आपको पहले ही देख लेना है कि बड़ी तो नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी बड़ी ही लग रही है तो मैं थोड़ी सी इतनी कट कर दूंगी इसे, क्योंकि मेरे पास इतना ही कप टुकड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने उसको पूरा ले लिया, कट नहीं किया था। तो आपको उसी हिसाब से इलास्टिक को लेना है जितना आपकी मतलब कमर हो। तो ऐसे ही हमें इधर साइड से भी सिल देना है। तो मैं सिल देती हूँ पहले से। तो देखिए मैंने इसको सिल दिया, अब यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। तो आपको दोनों साइड से पक्का सिलना है ताकि जब खिंचाव पड़े इस पर इलास्टिक पर तो ये निकले ना सिलाई। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से इसको सिल दिया। अगर आपको फिर भी ये लूज लगे तो आप इसे और थोड़ा सा और खींचते हुए यहाँ से और कट करके फिर आप सिल सकते हो, वैसे सही है मेरे हिसाब से। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।